माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आज शिवरात्रि है सावन की, इसलिए शिवरात्रि की आप सब बच्चों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको भगवान शंकर की कितनी सरल तरीके से जो है पूजा की जाती है वो आपको दिखा रही हूँ। भगवान शंकर क्या है, देवों के देव हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। तो अब सावन का महीना चल रहा है, चारों तरफ जो है हर हर महादेव के जय जयकारे लग रहे हैं। और आपको पता है कि भगवान शंकर जो है वो थोड़ी सी पूजा से ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लोग दूर दूर गए हुए हैं, वहां से गंगा जल लेके आते हैं, फिर भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं। अभी तो क्या लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो वरना लोग इतने जो है कावड़ ले लेके आते थे। आपने देखा कोई जो है बैठी कावड़ लाते हैं, तो जहां विश्राम करते हैं दूर दूर से लाते हैं लोग, हरिद्वार से जल लाके अपने शहर में चढ़ा देते हैं या नीलकंठ में जाके चढ़ाते हैं। और जो रामेश्वरम है, जहां जहां भी ज्योतिर्लिंग है महादेव के, तो सब जगह चढ़ाते हैं जल ले जाकर। तो आज हम जो है कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने घर पर ही जो है भगवान की पूजा करेंगे। और भगवान शंकर जो है सबकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी करते हैं, क्योंकि उनका आशुतोष नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप बच्चों की जो भी इच्छाएं हो, तो आप मात्र ये छोटी सी पूजा करके जो है भगवान शंकर से प्रार्थना करिए और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो मंदिर बंद है, हमारे थर्मल में तो खुला है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा जो है घर पे ही पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं जॉब में रहती हूँ इसलिए मंदिर जा नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज आप बच्चों को भी दिखा दूं मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो चलो मैं आपको पूजा की सरल विधि दिखाती हूँ। ये देखो मैंने सारा सामान जो है इकट्ठा कर लिया है। ये भगवान शंकर यानी कि शिवलिंग है। ये आपके पास शिवलिंग है तो ठीक है, नहीं है तो आप जो है भगवान शंकर की मूर्ति भी रख सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। आप मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी तो हर जगह मिल जाती है। और ये देखो फिर भगवान को स्नान कराने के लिए ये मैंने रखा है गंगा जल, ये है दही और ये है दूध कच्चा, ये दीपक रखा हुआ है, ये धूप, ये जो है रोली मूली चंदन चावल, और ये जो है फल मैंने दो रखे हुए हैं, दो पेड़े रखे हुए हैं, लौंग इलायची है, ये गुड़ है, ये बेल पत्र है। बेल पत्र जो है भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। मैं आपको दिखाती हूँ बेल पत्र का पेड़, जहां से मैं ये बेल पत्र तोड़कर लाई हूँ। तो देखो ये है बेल पत्र का पेड़। आज जो है शिवरात्रि है, इसलिए हम जो है ये बेल पत्र भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो आप छोटे छोटे भी ले सकते हो और बड़े बड़े भी ले सकते हो, बस ध्यान रखना कि कोई खंडित ना हो। ये देखो ये मैंने बेल पत्र तोड़ लिया है, क्योंकि भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। ये है फूल, क्योंकि सफेद कलर के फूल जो है भगवान शंकर को प्रिय है। तो ये जल भी है स्नान करवाने के लिए, थाली में मैंने जो है रख दिए भगवान शंकर, यहाँ हम स्नान करवाएंगे और फिर यहाँ इनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले जो है हम जल से स्नान करवाएंगे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। आप जो है ओम नमः शिवाय जो है वो बोलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप दही से स्नान कराएंगे, ये दही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दही से स्नान कराने के बाद आप जो है फिर जल से स्नान करवाएंगे। ओम नमः शिवाय। दही के बाद जो है आप दूध से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब दूध से हमने स्नान करा दिया, फिर आप जल से स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय। फिर उसके बाद गंगा जल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गंगा जल से स्नान कराने पर जो है भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि गंगा जो है सबसे पहले भगवान शंकर ने ही अपनी जटाओं के अंदर उन्हें रखा था, तब पृथ्वी पर आई थी। अगर भगवान शंकर जटाओं में गंगा को नहीं समेटते तो धरती पर प्रलय आ जाती, इसलिए गंगा जल का बहुत ही महत्व है भगवान शंकर पर चढ़ाने का। तो अब जो है हमने गंगा जल से स्नान करवा दिया है, और फिर जो है आप जल से स्नान करवा देंगे। अब हम कपड़े से जो है भगवान शंकर को पोंछ देंगे, अच्छे से बड़े प्यार से जो है आप पोंछ कर, और फिर यहाँ हम विराजमान कर देते हैं। ये आप पंचामृत भी बन जाता है, पंचामृत भी पी सकते हो, और पौधों में भी जो है जल को डाल सकते हो, तो जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते। हमने जो है दीपक जला लिया है और जो है धूप भी जला ली है। अब हम भगवान की पूजा, स्नान हमारा हो चुका है। शंकर भगवान की पूजा से आपको कोई भी पूजा हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा मैंने जहाँ सत्य नारायण भगवान की पूजा की विधि दिखाई थी वहाँ आपको दिखाई हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। आज मैं केवल भगवान शंकर की पूजा विधि दिखा रही हूँ। तो हमने स्नान करवा दिया है, अब हम लगाएंगे सबसे पहले तिलक, और तिलक से पहले पहनाएंगे वस्त्र। पहले जो है आप वस्त्र पहनाओ, इस तरह जो है वस्त्र पहना दो। ओम वस्त्रम समर्पयामि। उसके बाद तिलक है, ये देखो मैंने चंदन भी रखा हुआ है और रोली भी रखी हुई है, तो दोनों को मिक्स करके जो है मिलाकर ऐसे त्रिपुंड बना रही हूँ। ये ऐसे त्रिपुंड बनाना है आपको, ऐसे तीन बार करके फिर ऊपर तिलक लगाना है। समर्पयामि यानी कि मैं समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब जो है तिलक हमने लगा दिया है, तिलक के बाद जो है आप चढ़ाएंगे चावल। ओम अक्षतम समर्पयामि। ये शंकर भगवान का जो ये मुख है इस तरफ, ये क्या है होना चाहिए उत्तर दिशा की ओर, तो ये इस तरफ उत्तर दिशा है इसलिए मैंने इस तरफ किया हुआ है। अब आपने चावल चढ़ा दिए हैं, अब आप जो है बेल पत्र जो हमारे हैं वो आप ऐसे तिलक लगाकर भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। ओम बिल्व पत्रम समर्पयामि। जितने भी आप लाए हो 5-7 उतने चढ़ा सकते हो। ये मेरा शिवलिंग जो है वो छोटा है इसलिए मैं छोटे छोटे लाई। हमने बेल पत्र सारे चढ़ा दिए हैं, अब जो है पुष्पम समर्पयामि। तो ऐसे ही जो है हम चारों तरफ पुष्प रख देंगे भगवान शंकर पर। अब भगवान का श्रृंगार हो गया है, अब जो है हम खाने पीने की चीजें चढ़ाएंगे। सबसे पहले गुड़ शुभ माना जाता है। ओम गुड़म समर्पयामि। ओम लवंगम इलायचीम समर्पयामि। ओम मिष्ठानम समर्पयामि। ओम कदली फलम समर्पयामि। ओम आम्रम समर्पयामि। तो ऐसे जो है हमने सब चीजें भगवान को अर्पण कर दी हैं। फिर आप दक्षिणा भी चढ़ा सकते हो, और फिर धूप और दीप से जो है धूपम दीपम आग्रयामि। तो ये जो है बहुत ही सरल यानी कि इजी मेथड से करी हुई भगवान की पूजा है, और फिर जो है 5 या 7 बार आप उच्चारण कर सकते हो। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे भगवान शंकर की जो है आप पूजा करें और फिर भगवान से कहें कि हे प्रभु, मैं अनजान हूँ, बुद्धिहीन हूँ, मुझे आपकी कोई पूजा विधि नहीं आती है, मैं कोई प्रकांड विद्वान नहीं हूँ, अगर कोई पूजा में गलती हो गई हो तो आप क्षमा कर देना। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद जो है फिर भगवान शंकर की आप आरती करेंगे, ठीक है। जय शिव ओंकारा, संभज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। शंकर भगवान जी की आरती जो कोई नर गावे, भाव भक्ति के कारण मनवांछित फल पावे, ओम हर हर हर। बोलो शंकर भगवान जय हो। ये जो है आपको पूजा मैंने दिखा दी है, तो ठीक है बच्चों, आज की पूजा विधि आपको बहुत पसंद आई है क्योंकि बहुत ही इजी थी, और भगवान शंकर की आप ऐसे अगर पूजा करेंगे तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। आप पढ़ रहे हो, मान लो आपको जॉब की जरूरत है, आपको अच्छे मार्क्स लेने की जरूरत है, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो आपको शादी करवानी है, अच्छी लड़की की जरूरत है, घर में सुख शांति की जरूरत है, तो आप ऐसे भगवान शंकर की बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर ये विधि आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।